हाय गाइस, कैसे हो। मुझे बहुत भयंकर नींद आ रही थी तो मम्मी ने बोला बेटा सेव खा लो तो शायद नींद भी उड़ जाएगी। क्योंकि मैं अपना एक गाना एडिट कर रहा था तो मैंने देखते हैं खाते हैं और नींद उड़ जाए तो मज़ा ही आ जाएगा। पर ऐसा लगता नहीं है कि सेव खाने से नींद उड़ जाए। आपके सिटी में कितने रुपए किलो है सेब। मच्छर ने ऐसा काटा यार, दिमाग ख़राब हो गया। देख लो ये फुंसी कर दी उसने, मच्छर ने बहुत कर दी। शायद मेरा दुश्मन ही होगा, वो मेरे को ठोक के चला गया गोली। मैंने ये मूछें भाई इसलिए ट्रिम करी हैं क्योंकि मूछें ना, ऐसे मैं मास्क लगाता हूँ तो मुँह में जा रही थी भाई, तो मैंने कहा मूछें हटाओ यार। मूछें क्या है, मूछों के बाल जब मुँह में जाते हैं तो भाई बीमार होने के चांसेस ना 100% बढ़ जाते हैं। पर मुझे सही लगती हैं ये मूछ, हटा देता हूँ तुमने। पर ट्राई टू अंडरस्टैंड, अभी मैं तैयार होके खड़ा हूँ भाई क्योंकि अभी जाना है मुझे माधोगंज। अब देख रहा हूँ मेरे को कितने लोग मेरे से दुश्मनी ले लेके जा रहे हैं। ये एक ये दुश्मन ने मेरे ठोक ठाक दिया। अभी इसके लिए अगरबत्ती लगाना पड़ेगी मेरे को रात में, मच्छर भगाने वाली अगरबत्ती। भाग जाए, मैं मच्छर को भी नहीं मारना चाहता। ठीक है, मेरी वो खड़ी है मेरी गाड़ी, उससे हम जाने वाले हैं। हमारी हमारी आ रही है। हाय गाइस, घर पे क्या है, मम्मी पापा हैं तो अब घर पे तो मैं वीडियो बना नहीं पाऊँगा ना भाई। उसका रीज़न है कि आवाज़ें आएंगी मम्मी किचन में साउंड। ठीक है, तो मैं बाहर आ गया हूँ और यहाँ पे बैठा हूँ। तो भाई यहाँ बैठ के हम बात करेंगे और देखते हैं क्या होता है। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करा करो गाइस, क्योंकि हमेशा ही हम नया कुछ नई लाते हैं रोज़ के रोज़। ठीक है, तो माधोगंज में इसलिए गया था गाइस क्योंकि मेरी मम्मी को वृद्धा पेंशन होती ना, उसका फॉर्म भरना था। ठीक है, तो अब वृद्धा पेंशन में ना वो 1500 रुपये मांग रहा है दुकान वाला। ठीक है, चलो मैं थोड़ी देर में बताता हूँ।